इनफर्टिलिटी के बढ़ते हुए केसेस को लेकर मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर संकल्प जैन। सारे केसेस IVF एलिजिबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इनफर्टिलिटी हुई, 6 महीना साल भर आपने ट्राई किया एंड यू गो फॉर IVF स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो, यू शुड स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ, अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जहां पर मेल कैंडिडेट इन्वॉल्व्ड है, जहां पर फीमेल पूरी तरीके से क्योर हो चुकी है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं डायग्नोस हो रही है, वहां पे मेल पर्सन पे जब हम जाते हैं, मेल पेशेंट पे जाते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म काउंट करके छोड़ देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग समवेयर। दिस इज अ हाफ वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट, हाफ वर्जन ऑफ डायग्नोसिस। हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन की तरफ कभी नहीं देखते। वी शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ सेक्सुअल डिस्फंक्शन। नॉर्मली जो सेक्सुअल एक्टिविटी हस्बैंड और वाइफ में हो रही है, क्या वो इतनी परफेक्ट है कि क्वालिटी स्पर्म फीमेल की सर्विक्स तक लैंड कर रहा है? वी हैव टू सी दैट। फॉर दैट वी आर स्पेशलाइज्ड हियर। वी हैव द थेरेप्यूटिक एडवांसमेंट, वी हैव द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। हम हर तरफ से देखते हैं और सारे केसेस IVF की तरफ नहीं लेके जाते। कुछ केसेस 90% ऑफ द चंक हमारे नेचुरली कंसीव कर पाए हैं। हम उस चीज को ज्यादा एम्फेसिस भी देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आर्टिफिशियल टेक्निक्स का इस्तेमाल हो आप लोगों के केस में। थैंक यू।